स्टूडेंट, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अल्फ़ाबेट। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। ठीक है, आपने सुना होगा ए बी सी डी, है ना, वो क्या होते हैं? आपके अल्फ़ाबेट होते हैं। और आपको पता है कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। ठीक है, 26 आपके क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। और कभी कभी अल्फ़ाबेट को लेटर्स भी बोला जाता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 26। और बोलेंगे कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 26। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट को रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, 26 होते हैं, कैसे दिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? ए। इसे हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? बी। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई। ठीक है, रिपीट, ए बी सी डी ई। क्लियर? फिर से रिपीट करते हैं, ए बी सी डी ई, देन एफ जी एच आई जे। ओके, देन एफ जी एच आई जे, के एल एम एन ओ पी क्यू R S T U V W X Y Z। ठीक है, आई होप कि आपने सुन लिया होगा कि कौन से अल्फ़ाबेट को क्या प्रोनाउंस किया जाता है। तो आप क्या करेंगे मेरे साथ? आप भी रिपीट करेंगे। ठीक है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। Very good। फिर से रिपीट करें। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वेरी गुड, आप तो मेरे साथ बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं? इसे रीड कर रहे हैं। लेकिन क्या है, आपको और प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कब होगी? जब हम उसे बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार और क्या करते हैं, इसे रिपीट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा कलर लें? दिस वन। चलें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू V W X Y Z। ओके, वन मोर टाइम, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। Very good। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से अल्फ़ाबेट कैसे दिखते हैं और उसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ठीक है, ये पेन को आपको ध्यान से देखना है। मैं क्या करती जाऊंगी, आपको ऐसे दिखाती जाऊंगी और फिर आपको क्या करना है, बताना है कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। Very good, A. Good, B. Good, C. This one, good, D. E, good. Good, F.
गुड जी एच वेरी गुड आई जे के एल एम एन ओ पी वेरी गुड क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड वेरी गुड। आपको तो अल्फ़ाबेट भी समझ आ गया और उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं वो भी समझ आ गया, ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा कि आप कभी भी ए बी सी डी मोस्टली नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, ए से आखिर क्या आता है, बी से क्या थिंग आते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे करके हम क्या करेंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उससे कुछ ना कुछ तो चीज़ें बनती हैं ना, तो उसे हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ए है ना, ए फॉर एप्पल। ए फॉर क्या होता है, एप्पल है ना। आपने सेब खाया होगा जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो ए से क्या होता है, एप्पल। ए फॉर एप्पल। आप भी मेरे साथ क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ओके। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। वेरी गुड। आई होप कि आपको कभी भी पूछा जाए ए फॉर, तो आप बोल सकते हैं ए फॉर एप्पल। वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, फिर कौन सा अल्फाबेट आता है, बी। वेरी गुड। तो बी फॉर क्या होता है देखते हैं, बी फॉर होता है बॉल। बी फॉर क्या होता है, बॉल। आपने खेला है ना बॉल से, तो बी जो बॉल है वो कहाँ से आता है, कौन से अल्फाबेट से आता है, बी से। तो बी फॉर क्या हो जाता है, बॉल, ओके। तो चले, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। वेरी गुड, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है हमारा, सी। कौन सा अल्फाबेट आता है, सी आता है। और सी फॉर क्या होता है, ये पिक्चर देखिए। वेरी गुड। सी फॉर होता है टॉम, नहीं कैट। सी फॉर क्या होता है, कैट, ठीक है। तो आपने टॉम एंड जेरी देखी होगी, तो उसमें क्या है, एक माउस है और क्या है, कैट है। तो ये क्या है आपका, टॉम। टॉम क्या होता है, कैट, इसलिए यहाँ पर टॉम की पिक्चर है। बट सी फॉर टॉम नहीं होता, सी फॉर क्या होता है, कैट। सी फॉर क्या होता है, कैट, ओके। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर क्या होता है, कैट। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। वेरी गुड। एंड सी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, डी। और डी फॉर क्या होता है, देखिए पिक्चर से जानिए, डॉग। वेरी गुड। डी फॉर क्या होता है, डॉग होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं डी फॉर होता है डॉग, ठीक है। तो डी फॉर क्या होता है, डॉग। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। वन मोर टाइम, डी फॉर डॉग। वेरी गुड, ठीक है। तो डी के बाद कौन सा अल्फाबेट होता है, वेरी गुड। डी फॉर, डी के बाद कौन सा अल्फाबेट होता है, ई। और ई से देखिए कौन सा पिक्चर लगा हुआ है, आप बता सकते हैं कि ई फॉर क्या होता होगा। वेरी गुड। ई फॉर होता है एलिफेंट। ई फॉर क्या होता है, एलिफेंट, ठीक है। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। वन मोर टाइम, ओके, ई फॉर एलिफेंट। चलिए अब मैं आपसे पूछते जाऊंगी, आप मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर एंड ई फॉर। वेरी गुड। आपको तो समझ में आ गया, अभी तक के हमने सिर्फ फाइव अल्फाबेट का देखा है कि किससे क्या वर्ड स्टार्ट होते हैं, एंड वो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और ई के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, वेरी गुड। ई के बाद क्या आता है आपका, एफ, है ना। और एफ फॉर देखिए, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं कि एफ फॉर क्या हो सकता है, फीस। वेरी गुड। एफ फॉर क्या होता है, फीस, ओके। रिपीट, एफ फॉर फीस, एफ फॉर फीस, एफ फॉर फीस, एफ फॉर फीस, एफ फॉर फीस। वेरी गुड, ठीक है। एफ के बाद क्या होता है, देखते हैं, सॉरी, ठीक है। एफ फॉर क्या होता है,
एफ के बाद क्या आता है आपका जी, ठीक है। तो जी फॉर क्या होती है, देखिए कौन खड़ी हुई है, वेरी गुड, है ना, लड़की, और लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गर्ल। तो जी फॉर क्या होता है आपका, गर्ल होता है, ओके। जी फॉर क्या होता है, गर्ल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल, वेरी गुड। अब जी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, वेरी गुड, ठीक है। जी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, एच, ठीक है। एच फॉर क्या होता है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पास दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, एक आपको दे रहा है हाउस का और दूसरा दे रहा है आपको हॉर्स का। तो एच फॉर आप कोई सा भी आपको जो इजी आ रहा है, जो आपको याद रहेगा, रिमेम्बर रहेगा, उसे आप लिख सकते हैं, है ना, याद कर सकते हैं। जैसे एच फॉर आप हाउस भी बोल सकते हो, एच फॉर आप हॉर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसे क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, एच फॉर हाउस, एच फॉर हाउस, H for horse, H for horse, H for house, H for horse, very good। अब H के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, देखते हैं, गैस कीजिए, ये देखिए I। H के बाद कौन सा आता है आपका, I आता है, और I से देखिए क्या आता है, ये आप दिख रहा है, ये क्या है जो आप बहुत अच्छे से खाते हो, बहुत सारा खा लेते हैं, क्या है ये, आइसक्रीम, वेरी गुड। तो आई फॉर क्या होता है, आइसक्रीम होता है, क्लियर। चलिए रिपीट करते हैं, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर, वेरी गुड, आइसक्रीम, ठीक है। एंड देन आई के बाद क्या होता है, कौन सा अल्फाबेट आता है, वेरी गुड। फिर आई के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, जे। एंड जे से क्या होता है, देखिए तो जे फॉर, ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर, ये किसका है, यस, ये है जोकर का। तो जो जे फॉर क्या होता है, जोकर, ठीक है, जे फॉर जोकर, जे फॉर जोकर, जे फॉर जोकर, जे फॉर जोकर, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रिविज़न करते हैं, मैं फिर से आपसे पूछते जाऊँगी और फिर से आप मुझे रिप्लाई देंगे, ठीक है। ए फॉर गुड, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर, एफ फॉर, वेरी गुड, जी, एच, आई, जे फॉर, वेरी गुड, ठीक है। आई होप कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने सही सही बोली होगी, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या बोलते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ऐसे ही आपसे कभी भी बीच में भी बोला जा सकता है कि जे फॉर क्या होता है, तो आपको तुरंत ही रिप्लाई करना है, जे फॉर क्या होता है, जोकर होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपको सिक्वेंस वाइज क्या करूँ, क्वेश्चंस करूँ, ठीक है। अगर मैं क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर भी आपसे क्वेश्चन करती हूँ, तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए जे यहाँ पर हो जाता है, जे फॉर जोकर। तो जे के बाद क्या आता है, ये आप गैस कीजिए, जे के, है ना। जे के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, के आता है, और के देखिए ये क्या है, पतंग, है ना, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइट, के फॉर काइट, के फॉर काइट, के फॉर काइट। आप उड़ाते हैं ना गर्मी छुट्टी में पतंग, ठीक है, तो वहीं उसका क्या, किससे स्टार्ट होता है, के। तो के फॉर काइट, के फॉर काइट, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए के बाद कौन सा आता है आपका अल्फाबेट देखते हैं, के बाद कौन सा आता है, यस, एल, एल, है ना, और एल से देखिए क्या है, क्यूट सा लायन, ठीक है। तो एल फॉर क्या होता है, लायन, एल फॉर लायन, एल फॉर लायन, L for lion, L for lion, very good, ठीक है। तो चलिए next देखते हैं, L के बाद क्या होता है आपका, M, क्या होता है, M होता है, और M से देखिए तो ये क्यूट से दो दो क्या है, monkeys, है ना। तो M for क्या होता है आपका, monkey, M for monkey, M for monkey, M for monkey, okay।
एम फॉर मंकी, वेरी गुड। ठीक है, तो एम के बाद क्या होता है चलिए देखिए और पहचानिए। यस, एन फॉर होता है, सॉरी एम के बाद क्या होता है, एन। और देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, बर्ड हैं, पर बर्ड तो बी से स्टार्ट होगा, तो एन से क्या होगा, आपको ये दिखाई दे रहा है घोंसला, है ना। और इसी घोंसले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं। और नेस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए तो स्पेलिंग इसकी NEST, तो ये एन से क्या हो रहा है, नेस्ट हो रहा है, तो एन फॉर क्या हो जाएगा, नेस्ट, है ना। तो चलिए पिक्चर देखिए कंफ्यूज नहीं होना, एन फॉर क्या होता है, नेस्ट। तो इसे रिपीट किए करें एन फॉर नेस्ट, 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 वेरी गुड। ठीक है, एन के बाद क्या आता है चलिए देखिए, गुड। एन के बाद आता है ओ, और ओ से देखिए तो यहाँ बस फिर से आपको टू पिक्सल देखने को मिल जा रहे हैं, ये आपका बलून, ये आपका आउल, है ना। तो आप सोचिए तो बी से तो बलून होगा, फिर ओ से क्या हो सकता है, राइट, ओ से होता है आपका आउल। ठीक है, ओ से क्या होता है आपका आउल, आउल मतलब क्या होता है, उल्लू, है ना। तो ओ फॉर आउल, 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 वेरी गुड। ओ फॉर क्या होता है आपका, आउल होता है, वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं ओ के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, पी, है ना। ओ के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, पी आता है। और ये देखिए तो एक ही पिक्चर दिया है, इसमें तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो पी फॉर क्या हो जाता है आपका, पैरोट, पी फॉर क्या हो जाएगा आपका, पैरोट। ओके, रिपीट करें, पी फॉर पैरोट, 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 वेरी गुड। ठीक है, तो पी के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा चलिए देखते हैं, पी के बाद आता है आपका क्यू। ठीक है, पी फॉर क्या आता है आपका, क्यू। और क्यू से क्या होती है, देखिए ये कैसी है, परी जैसे दिख रही है, और परी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वीन, है ना, सॉरी रानी। ठीक है, ये कैसे दिख रही है, रानी जैसे दिख रही है, ये देखिए इसके पास तो क्राउन भी है, मुकुट भी है, तो क्यू फॉर क्या होती है, क्वीन। ओके, क्यू फॉर क्वीन, 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 वेरी गुड। तो चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जे फॉर जोकर, आई फॉर आइसक्रीम, एच फॉर हाउस, के फॉर कैट, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर आउल, ठीक है, एन फॉर नेस्ट, एंड क्यू फॉर क्वीन, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए क्यू के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, क्यू के बाद क्या आएगा आपका, आर, वेरी गुड। देखिए वहां पर स्टॉर्म था, यहाँ पर क्या है, जेरी, जेरी क्या है आपका, चूहा, चूहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैट, तो एर फॉर क्या हो जाएगा, रैट, आर फॉर 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 रैट, वेरी गुड। ठीक है, एंड पी फॉर पैरोट, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आर फॉर क्या होता है, रैट, आर फॉर रैट। ओके, तो चलिए आर के बाद क्या होता है आप देखेंगे और फिर गैस करेंगे। ठीक है, आर के बाद क्या होता है आपका, यस, क्या होता है आपका, एस। और एस से देखिए तो ये क्या है, सांप, और सांप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्नेक, क्या बोलते हैं, स्नेक। सो एस फॉर क्या हो जाएगा, स्नेक, एस फॉर क्या हो जाएगा आपका, स्नेक, एस फॉर स्नेक, एस फॉर स्नेक, एस फॉर स्नेक, वेरी गुड, एस फॉर स्नेक। ओके, चलिए अब फिर से हम देखते हैं कि एस के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, देखिए और गैस कीजिए, वेरी गुड। ठीक है, टी, एंड ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में, गैस कीजिए क्या हो सकता है, टेलीफोन, वेरी गुड। तो टी फॉर क्या होता है, टेलीफोन। ओके, चलिए रिपीट करें, टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टेलीफोन,
टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टेलीफोन, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए टी के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा देखिए और बताइए। ठीक है, वेरी गुड। फिर आता है यू, है ना। अब यहाँ पर तो पिक्चर में तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, प्लांट दिखाई दे रहा है आपको, है ना, किड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन यू फॉर क्या होगा आपको पता है? ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका अम्ब्रेला। ठीक है, ये क्या है आपका अम्ब्रेला है। ठीक है, तो यू फॉर क्या होता है आपका अम्ब्रेला। ओके, तो रिपीट करें, यू फॉर अम्ब्रेला, 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 वेरी गुड। अब फिर से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और आप गेस कीजिएगा कि क्या है। ठीक है, गुड। फिर आते हैं वी, है ना, वी फॉर। फिर से आप पिक्चर में कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर तो गाड़ी भी है, यहाँ पर तो लड़की भी है, है ना, तो क्या हो सकता है ये एक्चुअली में, क्या पता है आपको, वैन। ठीक है, तो वी फॉर क्या होता है, वैन। ओके, तो चलिए, वी फॉर वैन, 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 वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए मैं रैंडमली आपसे क्या करती हूँ, पूछती हूँ। ठीक है, बी फॉर गुड, सी फॉर गुड, ई फॉर गुड, जे फॉर गुड, आर फॉर गुड, वी फॉर गुड। आपने तो सारे क्या के करेक्ट दिए आंसर। ओके, तो चलिए फिर से, वी फॉर वैन होता है ये तो आपको पता चल गया। फिर से मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आप उसमें गैस कीजिएगा वी के बाद कौन सा आता है अल्फाबेट। करेक्ट, वी के बाद आता है आपका डब्लू। ठीक है, डब्लू फॉर क्या होता है देखिए, तो ये घड़ी है और घड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच। तो डब्लू फॉर क्या होता है, वॉच, डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर, वेरी गुड, डब्लू फॉर होता है वॉच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डब्लू के बाद क्या आता है, गुड, एक्स। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है आपका एक्समस ट्री, ये क्या है आपका एक्समस ट्री, है ना। आप क्रिसमस देखते हैं ना, क्रिसमस मनाते हैं, तो उसमें कौन सा ट्री हिस्सा जाया जाता है, एक्समस। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से अल्फाबेट से आता है, एक्स। तो क्या होता है, एक्स फॉर क्या होता है, एक्समस ट्री। ठीक है, रिपीट करें, एक्स फॉर एक्समस ट्री, 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 वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए फिर से देखते हैं, अब बताइएगा कौन सा होता है, वेरी गुड। एक्स के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, वाई। ठीक है, क्या होता है, वाई। और वाई से क्या होता है, ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, याक। क्या कहते हैं, याक, है ना। याक क्या है, आपने भेड़ देखा होगा सिर्फ, तो उसी का एक टाइप है। ठीक है, तो वाई फॉर क्या होता है, याक। ठीक है, वाई फॉर क्या होता है, याक, वाई फॉर याक, वाई फॉर याक, वाई फॉर याक, वाई फॉर याक, वेरी गुड। ठीक है, चलिए ये लास्ट। ठीक है, फिर लास्ट क्या होता है, लास्ट अल्फाबेट क्या हमारा, जेड। लास्ट अल्फाबेट क्या है, जेड। और देखिए, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, पिक्चर दिखाई दे रही है, ये किसकी है, जेब्रा की। तो जेड फॉर क्या हो जाता है आपका, जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा। ठीक है, जेड फॉर जेब्रा, वेरी गुड। आपने तो पूरे अल्फाबेट्स अच्छे से समझ भी लिए, आपको पहचान में भी आ गया, आपको समझ भी आ गया कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, तो चलिए इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको लिखूँगी और फिर आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, ए फॉर एप्पल, गुड। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। ओके, वन मोर टाइम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, गुड। एंड ई के बाद क्या आता है, एफ फॉर फीस, जी फॉर गर्ल, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर आइसक्रीम, जे
फॉर जोकर, वेरी गुड, रिपीट करें, एफ फॉर फीस, जी फॉर गर्ल, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, वेरी गुड, फिर से इसे रिपीट करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, वेरी गुड, ठीक है, फिर जे के बाद क्या आता है, के, के फॉर काइट, है ना, फिर क्या होता है, एल, एल फॉर लायन, वेरी गुड, फिर एम, एम फॉर क्या होता है, मंकी, एम के बाद क्या, कौन सा अल्फाबेट आता है, एन, एन फॉर नेस्ट, है ना, एंड देन ओ फॉर आउल, ठीक है, फिर से इसको रिपीट करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, वेरी गुड, फिर ओ के बाद क्या होता है, पी, पी फॉर पैरोट, क्यू, क्यू फॉर क्वीन, आर, आर फॉर रैट, एस, एस फॉर क्या पढ़ा था हमने, स्नेक, टी फॉर टेलीफोन, वेरी गुड, फिर से रिपीट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एंड देन टी, ठीक है, टी के बाद क्या आता है, यू, यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है, वी, वी फॉर वैन, डब्लू, डब्लू फॉर वॉच, एक्स, एक्स फॉर एक्समस ट्री, वाई, वाई फॉर याक, एंड जेड, जेड फॉर जेब्रा, वेरी गुड, तो चलिए एक बार रिपीट करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वेरी गुड, अब हम क्या करेंगे, ए फॉर गुड, ठीक है, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, very good, F for fish, J for girl, H for hen, I for ice cream, J for joker, very good, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, sorry, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rat, S for snake, T for telephone, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra. Very good. आपने तो मेरे साथ बहुत अच्छे से ये क्लासेस ली, ठीक है? आई होप कि आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं है, और कभी भी आपसे अल्फ़ाबेट पूछा जाएगा तो आप आराम से उसे बता सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन क्या है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।